कुछ दिन पहले मैंने एक आलू पराठा रेसिपी शेयर की थी, जिस रेसिपी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा था 2-3 लोगों ने कि आप इतना अच्छे से आलू पराठा कैसे बना रहे हो, आपका फट भी नहीं रहा, आलू बाहर निकल भी नहीं रहा और इतना पतला बन रहा है। तो मैंने सोचा आज उसी बारे में थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कल रात को आलू पराठा बनाई थी तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देती हूँ। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका आटा जो है वो ढीला लगाना है, उतना टाइट आटा नहीं लगाना है, ढीला आटा लगाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ढीला आटा लगाने से हो सकता है फैलते फैलते वो फट जाएगा या ऐसा, पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा भी ढीला मत लगाइएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपका जो आलू है उस आलू में ज़्यादा नमी ना रहे, पानी ना रहे, ज़्यादा मॉइस्ट ना रहे। तो आपको क्या करना है ना, जो आलू है वो बॉयल करते समय कम पानी में आलू को बॉयल करना है, और या तो एक स्टीम मिलता है ना स्टीमर, उस स्टीमर में भी कर सकते हो। तो कुकर में भी कम पानी दे के बॉयल करने से बहुत अच्छा होता है। आलू छिलके के साथ बॉयल कीजिएगा, उसके बाद आलू को निकाल के थोड़ा खुली हवा में रखने के बाद छील करके ग्रेटर में ग्रेट करके अच्छे से इसको मसल लीजिएगा। और उसके बाद जो मसाला आपको यूज़ करना है वो देके, या प्याज, कोरिएंडर, हरी मिर्ची, मसाला सारे भर भर के डाल के स्टफिंग भी अच्छे से आटा के अंदर भर के आप आलू पराठा बनाइए, कभी भी नहीं फटेगा।